What effect does branching of alkane chain has on its boiling point? देखो, बॉइलिंग पॉइंट में एल्केन की ब्रांचिंग का क्या फर्क है? एल्केन या किसी भी चीज की ब्रांचिंग का, मैं यहां समझाता हूं, देखो क्या फर्क पड़ता है। दो एग्जांपल लूंगा, एक तो ये ले लो, एक ये ले लो, चलो ठीक है ना। अब क्या है, ये एक फ्लैट मॉलिक्यूल है। पहले तो इन दोनों में कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। ये दोनों आइसोमर्स हैं, ये एक फ्लैट मॉलिक्यूल है। जो इसके बगल वाला मॉलिक्यूल होगा वो भी फ्लैट होगा, है ना। ये क्या है, ये उतना फ्लैट नहीं रहा, ये उतना फ्लैट नहीं रहा, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं, एक यहां लगा लो, सी यहां। इन दोनों में कार्बन की संख्या 6 ही है, ये थोड़ा गोल सा हो गया, है ना। तो इसके बगल वाला मॉलिक्यूल भी क्या होगा, गोल सा होगा थोड़ा सा, है कि नहीं। अब देखो, कॉमन सेंस आपको क्या बताती है, जो आपस में सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन है वो किस में ज्यादा है, केस नंबर 1 में या केस नंबर 2 में? आपस में इंटरेक्शन किसकी ज्यादा है? 1 की। इसकी इंटरेक्शन कम है, यस और नो? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो गया। जितना ज्यादा आप ब्रांचिंग करते जाओगे, सरफेस एरिया उतना कम होता जाएगा, तो आपस में मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन जो उतनी ही कम होती जाएगी। समझ में आई बात है? तो अगर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन आपस में कम हो गई, तो मॉलिक्यूल्स को दूर करना क्या हो जाएगा, आसान या डिफिकल्ट? आसान हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग में आप क्या करते हो, मॉलिक्यूल्स को दूर ही करते हो। क्लियर होगी बात है? तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होने से क्या होता है, आपस में जो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सिंपल बात है, यही यहां पे लिखा हुआ है। विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ एल्केन सरफेस एरिया डिक्रीज, सरफेस एरिया कम हो गया, तो सरफेस एरिया कम होने से जो इंटरमोलिकुलर लंदन डिस्पर्शन फोर्स है वो कम हो जाती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसलिए दो एल्केन अगर मॉलिकुलर मास सेम है, जिसकी ब्रांचिंग क्या है, ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा है जिसकी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया?